जैसे ही हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है डेल्टा के बाद जो अब देखने को मिल रहा है, WHO ने उसको डेल्टा के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा खतरनाक बताया है और ये भी कहा है कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन ये कोरोना वैक्सीन का भी असर कहीं ना कहीं खत्म कर सकता है। तो यानी कि कोरोना की जो वैक्सीन होगी वो भी इसके असर से बेअसर होती हुई नजर आएगी। और इसी के मद्देनजर कई जगहों पे, सबसे पहले साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था, ये अफ्रीकी देशों में, दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ की फ्लाइटों पर कई देशों ने प्रतिबंध भी लगा दिया है। भारत भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गया और अब लोगों को एक लॉकडाउन की चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत में पहले की तरह ही लॉकडाउन ना हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी लॉकडाउन वाली परिस्थितियाँ होती हैं तो जो व्यापार होता है वो सारा का सारा बंद हो जाता है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है व्यापार करने का या फिर अपना घर चलाने का। तो ऐसे में आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लॉकडाउन में भी आप घर बैठे बैठे आप पैसा कमा सकते हैं, वो भी एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐप के ज़रिए, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्ले स्टोर पर जाना है, टाइप करना है माई बिग ब्लिस, MYBIGBLISS माई बिग ब्लिस, और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा जिसमें आपको मामूली जानकारी भरनी होगी, जैसे आपका नाम, आपके स्टोर का नाम, स्टोर का नाम यानी कि आपकी दुकान का नाम क्या आप रखना चाहेंगे ऑनलाइन में, और पैन कार्ड डिटेल्स, आधार डिटेल्स, यही छोटी मोटी डिटेल्स जिससे कि आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ सके। ये सारी डिटेल्स जानने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स चढ़ाने होंगे और फिर आपके पास ग्राहकों के ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ कंपनी रजिस्टर्ड करनी है कहीं पे या फिर आप पहले से दुकानदार हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कहीं से थोक में सामान लेकर भी अपने घर से स्टोर बनाकर इस ऐप पर बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं घर बैठे बैठे लॉकडाउन में भी। तो ये भी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं कम्युनिटी बाज़ार से। कम्युनिटी बाज़ार में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर कॉमेक्स पर $1784 पर खुलता नजर आ रहा है, $1784 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और सिल्वर जो है वो $22.5 पर कारोबार करती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोना और चांदी हरे निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। जो लेवल्स थे वो भी लगभग वही देखने को मिल रहे हैं, लेवल्स में ज़्यादा कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है, काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल चुके हैं अब अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे। हालांकि इम्पैक्ट कितना हो रहा है अभी ये निकल के सामने नहीं आया, वैज्ञानिक उस पर अभी शोध कर रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र जो सोना है एक बार फिर से ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है। अब अगर लॉकडाउन वाली परिस्थितियां लगती हैं और ओमिक्रॉन की केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो एक बार फिर से सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो ऊपर जाती नज़र आ सकती हैं। सोने चांदी में एक बार फिर से सेफ हेवन डिमांड बन के निकल के सामने आ सकती हैं। आपको बता दें कि जो रिसर्च कंपनी है गोल्डमैन सैच, उसने भी जो US है, अमेरिका है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में निचले यानी कि घटने का अनुमान बताया है। अनुमान है कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी पड़ती नज़र आ सकती है, थोड़ी लुढ़कती नज़र आ सकती है, ऐसा अभी गोल्डमैन सैच का कहना है। देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का जो बाजार है ठीक ठाक ही है, ना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही, ना ही ज़्यादा मंदी देखने को मिल रही है। बीते कारोबारी सप्ताह में बेस मेटल्स में ठीक ठाक तेज़ी बनते देखी थी, अच्छी खासी तेज़ी भी रही थी, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी बनती नज़र आई थी। आपको बता दें कि अब जो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो दौर शुरू होने का बात कही जा रही है कि आगे जाके, क्योंकि कच्चे तेल की जो खपत है उसको कम किया जा सके, एनवायरनमेंट को, वातावरण को बचाया जा सके, पॉल्यूशन को कम किया जा सके, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब लाने की बात कही जा रही है। भारत में भी जब इस साल 1 फरवरी 2021 को भारत में बजट पेश किया था वित्त मंत्री जी ने, तो उन्होंने भी कह दिया था कि भारत अब आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करेगा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर भी ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि भारत कच्चे तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है और इसकी वजह से अगर बाहर में कुछ ज़्यादा गड़बड़ होती है तो भारत, उसका असर भारत में कच्चे तेल की कीमतों पर यानी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता नज़र आता है, और उसी का नतीजा हमने पेट्रोल डीजल की इतनी बढ़ती कीमतें देखी हैं। तो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोना चांदी, कच्चा तेल,
बेस मेटल्स का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगे एमसीवी। जी शुक्रिया। देख रहे हैं सोना और चांदी आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी अपने उसमें आ रहे हैं ना, ज्यादा तेजी बंदी नजर आ रही है, नई गिरावट। आपको क्या लगता है, क्या सोना चांदी रेंज में है और रेंज की आप देखिए कि निचले स्तरों से बाइंग ही बनती हुई दिखाई दी है। अभी भी सोना जो है 1783 डॉलर के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 48,000 के बेहद करीब है, यानी आज 48,000 का भी हाई छू चुका है। तो यही रेंज फिलहाल सोने में बनती हुई दिखाई दे सकती है और सोना और चांदी हर निचले स्तर पर खरीदारी की तरफ ही रहे, क्योंकि अभी जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है उसके चलते आने वाले दिनों में लगता है कि दोनों ही ये कमोडिटी एक पीक पर जा सकती है। तो मुझे लगता है कि चांदी में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा टूल हो सकता है, यहाँ पर चांदी में बाय किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और गोल्ड के अंदर भी फिलहाल बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। देखिए अभी जो ऑयल के प्राइसेस जो है आज में ऑयल के प्राइसेस के अंदर आज अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दरअसल सऊदी अरेबिया ने प्राइसेस को रेज कर दिया है और उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही इनडायरेक्ट टॉक्स भी चल रही है यूएस और ईरान के बीच में। तो अभी काफी ट्रिगर्स जो है अभी और भी आने वाले हैं जिसकी वजह से उठा पटक का माहौल देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल आज क्रूड जो है थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है। बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ से मार्केट उठता भी है तो $68 से लेकर $70 मैक्सिमम एक बार अपसाइड देखने को मिल सकता है और नीचे में $65 है। तो आज इंटरडे में एक बार $68 तक ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी तेजी जो है वो लिमिटेड हो सकती है और क्रूड में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम डोमेस्टिक मार्केट में भी बन सकता है और ऊपर में 5120 से 5130 तक जा सकता है। कोई बात नंबर टू आज भी ठीक ठाक लेवल से आते हुए देख रहे हैं बेस मेटल्स में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। आपको क्या लगता है आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बेस मेटल्स में क्या फिर से एक बार तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए बेस मेटल में बिल्कुल तेजी का ही रुझान है और मुझे लगता है कि आगे तेजी ही बनी रह सकती है। बेस मेटल के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूशन में रह सकता है तो बाइंग में ही रहना चाहिए और कॉपर जो है 732 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और काफी सुस्त हो चुका है एक बार मार्केट, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है।